जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भाई गूगल पे और फोन पे एप्लीकेशन चलाते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो क्या है इस वीडियो के माध्यम से, जो भी है एक एक स्टेप मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा की आप लोग थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे। तो फिलहाल दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे है तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है सामने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनके पास एटीएम नहीं है वो लोग भी गूगल पे फोन पे में जो है अपना बैंक ऐड कर सकते हैं और अपना जो एप्लीकेशन है यूज कर सकते हैं पूरी तरह से। जिस तरह से लोग फोन पे गूगल पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग बने रहेगा, तो जो भी है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो भाई आप लोग बने रहेगा। दोस्तों आप जो भी गूगल पे और फोन पे जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप गूगल पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अभी बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, बिना एटीएम कार्ड से जो है अपना बैंक ऐड कर सकते हैं गूगल पे के एप्लीकेशन में। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर से गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद जब आपका गूगल पे एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो जाता है, तो उसके बाद आपके ऊपर एक साइड में आपका लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा बैंक ऐड का, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना जो है बैंक के डिटेल्स, जो भी आपका बैंक रहेगा, जैसे मान लिया जाए यूनियन बैंक, SBI बैंक, जो भी आपका बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी आपका बैंक है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, यानी कि आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। वह OTP उसमें फिल करना रहेगा। फिल करते ही दोस्तों इसमें दो ऑप्शन मिलेगा, आपको नीचे वाले पे जाना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक एटीएम से, एक आधार नंबर से। तो आप आधार वाले पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद अपना उसमें आधार नंबर डालिएगा। डालने के बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है आपका बैंक उसमें ऐड हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है परेशान है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोग जो है आसानी से बैंक ऐड कर सकते हैं गूगल पे एप्लीकेशन में या फोन पे एप्लीकेशन, जो भी आप चलाना चाहते हैं उसमें जो है बैंक अपना ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे जिनका भी एटीएम कार्ड नहीं था, वो लोग जो है चाहते हुए भी नहीं चला पा रहे थे। तो फिलहाल दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है, आपको एटीएम लाने की आवश्यकता नहीं है, आप आधार कार्ड से ही जो है उसे लॉग इन कर सकते हैं, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।